हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको हम पढ़ चुके हैं, द्वि मीन्स दो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, और इंग्लिश में बोला जाता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आज हम करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रूट्स। सबसे पहले हम रूट्स की बात करते हैं। रूट्स मींस इसके मूल, इसके जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे, कितने होंगे। उसके आंसर्स होंगे द्विघात है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके रूट्स जो इसके मूल निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे, 2। जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, जो क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है, उसके रूट्स होते हैं 3, क्योंकि उसके ऊपर हाईएस्ट पावर है 3। क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं 2। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि जो उसके रूट्स हैं, उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स का प्रोडक्ट कैसे होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक पॉलीनोमियल है हमारा जो हमें गिवन है, यहाँ ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए बी एंड सी फाइंड आउट करने हैं, इससे कंपेयर करके कोई भी हमें अगर पॉलीनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक वाला। तो लेट कर लेते हैं कि 2x² प्लस 7x-3, ये पॉलीनोमियल हमें गिवन है, यहाँ पर हमें इसको इससे कंपेयर करना है। हेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल्स टू 7 एंड सी इज इक्वल्स टू -3। तो अब फॉर्मूला होता है फाइंडिंग सम ऑफ पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स के सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल्स इज इक्वल टू सी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, हेयर बी इज 7, दैट मीन्स द सम इज -7 बाय ए इज 2। दिस इज द आंसर। एंड इफ यू वॉन्ट कि प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीनोमियल, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीनोमियल इज सी बाय ए, वेयर सी इज -3 बाय ए, ए इज 2। दिस इज द आंसर। दिस इज सो सिंपल, यू कैन मेक सो मच क्वेश्चंस। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल कि t² - 7। Let us take this example. Now you have to compare this to ax square plus bx plus c. अब आपने क्या करना है, इस पॉलीनोमियल को, इस बहुपद को इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, वहाँ 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 1, बट स्क्वेयर के बाद खाली टी आना चाहिए था, वो हमें नहीं गिवन है, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू 0 एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज -7। हम इसको और इजी समझने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1t² प्लस 0t-t, बिकॉज टी वाली टर्म नहीं है, हमने उसे 0 में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, फाइंडिंग सम ऑफ पॉलीनोमियल। तो हमें सबसे पहले सम फाइंड आउट करना है, तो सम क्या होगा इसका, माइनस बी बाय ए, वेयर बी इज 0, 0 by 1, दैट इज इक्वल टू 0। 0 के आगे माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस नहीं लगाया जाता है। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज सी बाय ए, वेयर सी इज -7 बाय ए मीन्स 1, तो -7 इज द आंसर। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल कि इफ देयर इज 3t² -2t, दैट्स नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस 2x ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है। हेयर t² के आगे टर्म लिखा है, दैट मीन्स इट इज a, देन t इज ऑल्सो रिटर्न, दैट इज b, c
सी नहीं लिखा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस जीरो. तो ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड सी इज इक्वल्स टू जीरो. तो अब सम का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए. तो माइनस, अब माइनस बी में यहाँ पर माइनस टू है तो ये माइनस तो हमें लगाना ही है, माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू अपॉन थ्री. एंड इसी तरह से हमें अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट विल बी सी बाय ए एंड सी इज जीरो, जीरो बाय थ्री दैट इज इक्वल्स टू जीरो. तो है ना बहुत इजी. आप बहुत से ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं और ये सीख सकते हैं टेंथ क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. और पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड करना है आपको सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का योग और बहुपदों का गुणनफल. तो योगफल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए और गुणनफल के लिए, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है सी बाय ए. आपको सिर्फ इसको किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखी होती है वो ए होता है, एक्स के साथ जो लिखा है वो बी होता है और जो कॉन्स्टेंट है विदाउट एक्स है वहाँ वो सी होता है. तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बैठकर. और अगर उसके बाद साथ साथ आप जो और भी बच्चे हैं उनको शेयर करते चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे वो लोग घर में बैठ के इसकी अच्छे से स्टडी कर सके और उनका जो मतलब बेस है स्ट्रॉन्ग बन सके. बिकॉज मेरा मकसद यहाँ पर मतलब हर मैथ के हर एस्पेक्ट को लेकर बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बच्चों का बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो जब स्कूल ओपन होंगे तो ऑटोमेटिकली उनको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, जो एक्सरसाइजेज, जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो उनके माइंड में क्लियर होते चले जाएंगे. तो प्लीज इसे बाकी सभी बच्चों के साथ शेयर करते चले जाइए. थैंक यू.